तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं इस चैनल की जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग जो है वो 3.6 के डॉलर से लेके 57.5 के डॉलर तक है। और अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो यहां पे मैं अगर 3.6 डॉलर यहां पे डालूं तो 3600, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे 2,94,000 से इसकी अर्निंग स्टार्ट है मंथली अर्निंग, और 57.5 के डॉलर तक है। तो अगर मैं यहां पे 57.5 मतलब यहाँ पे मैं डालूं 57,500, ठीक है, इतने के डॉलर तक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 लाख तक ये जा रहा है। तो कितनी ज्यादा कमाई ये महीने की यहाँ से कर रहा है, लाखों रुपए ये महीने के यहाँ पे कमा रहा है। और यही कंटेंट आइडिया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको अर्निंग प्रूफ यहाँ पे दे दिया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपके पास यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए टाइम नहीं है और आप कोई ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको 15 से 20 मिनट में ही आपकी यूट्यूब वीडियो बनके तैयार हो जाए और आपको उसमें फेस भी दिखाने की ज़रूरत ना पड़े और आप उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और आपका यूट्यूब चैनल भी जल्दी मोनिटाइज हो जाए और उससे आप महीने के लाखों रुपये कमा सकें, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही कॉन्टेंट आइडिया लेकर आया हूँ जिसमें आपको यूट्यूब वीडियोज़ 15-20 मिनट में ही आपकी बनके तैयार हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो ये चैनल जो मैं आपको कंटेंट आइडिया बताऊंगा, इस तरह के कंटेंट आइडिया YouTube पर बहुत कम है या ना के बराबर है, मतलब इस पे कंपटीशन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप इस तरह का चैनल बनाएंगे तो आपका जो चैनल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा और आपका YouTube चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और आपको इसमें अपना फेस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। YouTube वीडियो को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसे एडिटिंग करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ और इस तरीके की वीडियो को आप YouTube पर डालकर YouTube से लाखों रुपये महीने के कमा सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलती है इस तरीके के चैनल में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, तो आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, YouTube एप्लीकेशन जो है उसके अंदर जाना है। तो मैं सबसे पहले YouTube एप्लीकेशन को यहां पे ओपन कर लेता हूं और YouTube एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले वो चैनल दिखाता हूं जिसका कॉन्टेंट आइडिया मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेक्टिव मेहुल, इस नाम का ये चैनल है, ये लिख के हमें सर्च करना है और आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर ही आ गया है, ठीक है। इस चैनल पे मैं विज़िट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चैनल के ऊपर 1.17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे 139 वीडियो ही इन्होंने डाली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के कंटेंट कितनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे है और इनका चैनल वेरीफाइड भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ एक चैनल से ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे चैनल से पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने अपने 5 चैनल बना रखे हैं और उन 5ों चैनल से ये पैसे कमा रहे हैं। अब मैं कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं चैनल्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड योर लॉजिक, इस नाम का इनका ये चैनल है, इस पर 3.93 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और अगर मैं इस चैनल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके 3 चैनल और हैं जिसमें 3.36 मिलियन, 516 के, 52.5 के, कितने ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर, आपको वीडियोस कितनी ज़्यादा ग्रोथ इनके चैनल पे आप देख सकते हैं। 5 चैनल ये चला रहे हैं और 5ों चैनल से ये लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो यहाँ पर बैक आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर इनकी वीडियोस वाले सेक्शन पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ ये किस तरीके की वीडियोस डालते हैं और इनकी वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनकी लेटेस्ट वीडियो है एपिसोड 118, इस पर 10 दिन पहले इन्होंने डाली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,79,000 व्यूज़ इस पर आ चुके हैं और ये इन्होंने 2 वीक पहले डाली थी एपिसोड 117,
695 के व्यूज़ आ गए हैं, 845 के व्यूज़, 847 के व्यूज़, 863 के व्यूज़, 460 के व्यूज़। तो आप देख सकते हैं इनकी हर एक वीडियो पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं ये, तो लाखों रुपए ये कमा रहे हैं। और इनकी पॉपुलर वीडियोज़ की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पॉपुलर वीडियो 20 मिलियन व्यूज़। आप सोच सकते हैं कि 20 मिलियन व्यूज़ कितने होते हैं, और वो भी लॉन्ग वीडियो पे। और यहाँ पे अगली पे देखें 8.4 मिलियन, 7.7 मिलियन व्यूज़, 7.6 मिलियन व्यूज़, 7.2 मिलियन व्यूज़, 6.6 मिलियन, 6.3। तो आप देख सकते हैं मिलियंस में व्यूज़ आते हैं इस कंटेंट पे, और इसका यूट्यूब पर अभी कॉम्पटिशन भी नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ पे केवल यही 5 चैनल बने हुए हैं, ठीक है, इस कंटेंट आइडिया से। तो अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपका चैनल भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, आपके चैनल पे भी भर भर के व्यूज़ आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी वीडियोज़ कैसी है। जैसे मैं किसी भी एक वीडियो पे अगर मैं आपको क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे मैं पहली वाली वीडियो इनकी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ ये किस तरीके की वीडियो बनाते हैं। तो ये सस्पेंस क्रिएट करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अगर आप इनके चैनल पे जाके देखेंगे तो ये सिंपल ये कार्टून्स हैं, ठीक है, इसमें ये अपनी वॉइस देते हैं, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं, जो भी ये कर रहे होते हैं उसमें सस्पेंस एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इनके चैनल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो इनेबल है, मतलब इसकी अर्निंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ये इस चैनल से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। तो इनके कंटेंट को जाके आप भी जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की सस्पेंस वीडियोस आपको भी क्रिएट करनी है, कैसे करनी है वो मैं अब आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेक्टिव मेहुल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको अर्निंग दिखाई थी वो भी इसी चैनल की थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने वो पेज अपना क्रोम में ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वही डिटेक्टिव मेहुल, और जो मैंने आपको अर्निंग दिखाई थी 3.6K डॉलर से लेके 57.5K डॉलर इनकी मंथली अर्निंग है, वही मैंने आपको अर्निंग स्टार्टिंग में दिखाई थी, ठीक है, इसी चैनल की दिखाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम, ठीक है, इसी चैनल की मैंने आपको अर्निंग दिखाई थी। तो इस तरीके की वीडियोस आपको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इससे पैसे कमाएंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब जो पार्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपको सबसे पहले तो ये वीडियोस कहां से मिलेंगी, सबसे पहले वो आपको मैं बता देता हूं। तो आपको सिंपल यहां से क्रॉस करके यहां से बाहर आ जाना है आपको, और आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे आके एक एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करना है जिसका नाम है डिटेक्टिव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिटेक्टिव मेहुल नाम से ही एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगी डिटेक्टिव मेहुल गेम, ठीक है, इसको आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं सीधा प्ले पे अब क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से आपको वीडियो क्रिएट करनी है, कैसे आपको सस्पेंस की वीडियोज़ मिलेंगी, कैसे उसमें एडिटिंग करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। तो मैं सबसे पहले बाहर आ जाता हूँ, ये यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं, मैं बाहर आ जाता हूँ, ये गेम मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इस गेम को ओपन करूँगा, हम गेम की होम स्क्रीन पे आ गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं, अनलिमिटेड केसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक एक केस को सोल्व करते जाएंगे और आपकी एक एक वीडियो बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगी। वीडियो कैसे बनानी है अब आपको ध्यान से देखना है, जैसे मैं आपको कोई प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाऊँगा कि आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर आ गया सबसे, और यहाँ पर जैसे मैंने केस 2 यहाँ पर ले लिया, तो मैं केस 2 पर क्लिक करूँ, तो केस 2 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बच्चा अपहरणकर्ता, ठीक है, इसका केस है बच्चा अपहरणकर्ता का। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पीछे हिंदी में कुछ लिखा होगा, मुझे सिर्फ उसको रीड करना है, और नीचे जो नेक्स्ट का बटन है एरो का, उस पर क्लिक करते करते मुझे वीडियो को क्रिएट करना है और पढ़ते जाना है। बस जो लिखा आएगा मुझे उसे हिंदी में लिखा हुआ है वो मुझे पढ़ते जाना है, और हमारी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। वीडियो क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मोबाइल की वो ऑन कर लेनी है, ताकि आप जो भी गेम में खेलें, आप जिस तरीके से भी जो भी करें वो आपका रिकॉर्ड होता रहे। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ पूरा केस ये, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये दिखाता हूँ आपको,
सैम एक छोटा बच्चा था, उसका रण कर लिया गया, पर वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने की बजाय सैम ने मेहुल को अपना चित्र बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और तीन संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। नौकरानी, मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर, मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो पेंटर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके कपड़ों पे कुछ लगा हुआ है तो पेंटर ही निकला, आप देख सकते हैं, ये भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था, तो पेंटर ही यहाँ पे उस बच्चा का अपहरण करता था। इस तरीके से आपका एक केस सॉल्व हो गया और आपकी एक वीडियो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे ये तो वर्टिकल फॉर्म में है, लेकिन यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं तो वो तो 16:9 वाला फॉर्म होती है, वो वीडियो हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एडिटिंग करेंगे इसमें। तो इसके लिए आपको एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सिंपल इस गेम से बाहर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे और जिस भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं आपको उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर काइन मास्टर को यूज़ करता हूँ, तो मैं काइन मास्टर के एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें सिंपल यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 16:9 हमें सेलेक्ट करना है और जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पे हमें इंपोर्ट कर देनी है। जो गेम हमने खेली थी, जो रिकॉर्ड की थी, वो यहाँ पे हमें इंसर्ट कर देनी है मीडिया के अंदर जाके। तो मैं जल्दी से उसे यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस गेम को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और ये ऑटोमेटिक 16:9 वाले फॉर्म में भी आ चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ से हमारी गेम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमारा केस टू स्टार्ट है ये, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर ले कर आएंगे और आगे चल जाते हैं, ठीक है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है बोलना वहाँ से हम ले कर आएंगे, जैसे हमारा केस यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे लेफ़्ट साइड का सारा। तो ये हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ से हमने बोलना शुरू किया था वो हमने यहाँ पे करना है अब, ठीक है। यहाँ से हमारा पूरा केस है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें इसे फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें ऊपर ही कैंची के साथ में पैन एंड जूम का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें इसे इस पर क्लिक करना है और इसको हमें स्क्रीन को पकड़ के इसे ज़ूम कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से सेट कर लेना है हमें। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं इसको चेक करने के लिए, पहले हमें यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हम इसे अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने पूरा बड़ा कर लिया इसे इस तरीके से, ठीक है। जितने में आपकी जो स्क्रीन है वो सही लगे देखने में, जैसे मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी वीडियो बनती जाएगी। यहाँ पे अभी ऊपर आप देख सकते हैं इनके फेसेस कट रहे हैं, तो हम दोबारा से करेंगे और फिर से पैन एंड जूम करेंगे और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे ऊपर से, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, अब डन कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम, तो यहाँ पर अब ठीक लग रहा है, ठीक है, हल्के हल्के फेस अब आ रहे हैं। इस तरीके से आपको इसे सेट कर लेना है, और सेट कर लेंगे हम फिर से पैन एंड जूम करेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये दिखने में सही लगने चाहिए तभी तो वीडियो आपकी अच्छी लगेगी। अभी भी फेस कट रहा है, फिर से करेंगे हम थोड़ा सा और छोटा, ठीक है, यहाँ पर डन कर देंगे। अब देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है। हमने रिकॉर्ड तो कर ही लिया था, आप चाहें तो वहाँ पे गेम खेलते हुए रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करना है आपको, यहाँ पे ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप स्टार्ट करके जो जो लिखा हुआ था वो सब आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वॉइस को, वही हमने वहाँ पर गेम में खेलते हुए कर ली।
तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और पीछे आप एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, तो नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूज़िक की आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं उसे, ठीक है। आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर जो ये एरो का एक्सपोर्ट का निशान है आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। और एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और इसे YouTube पर अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को क्रिएट करना है, वीडियोस लेनी है, एडिटिंग करनी है, सब कुछ करना है। और इस तरीके से आप अपलोड करेंगे तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो होगा, मोनेटाइज होगा और आप महीने के लाखों रुपए से घर बैठे ही कम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।